एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ माय आइकॉनिक फैशन। आई होप आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है पाउंड्स का ब्राइट ब्यूटी विटामिन सी सीरम है, जो इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है। आपको इजली हर वेबसाइट पे आपको अवेलेबल इजली हर वेबसाइट पे मिल जाएगा। जैसे कि आजकल विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे स्किन केयर के लिए, चाहे वो हमारे स्किन केयर हो, नाइट केयर हो, डे केयर हो, सारे स्किन केयर के लिए हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन सी। हमारे हर प्रोडक्ट, एक ना एक प्रोडक्ट हमारे डेली लाइफ में एक ना एक प्रोडक्ट विटामिन सी का होता ही होता है। कहीं ना कहीं हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नीड होती है विटामिन सी की, चाहे वो टोनर हो, मॉइस्चराइज़र हो, सनस्क्रीन हो, हर चीज़ में विटामिन सी आने लगा है। सो ये है विटामिन सी का सीरम है, जो पाउंड्स का है, ब्राइट ब्यूटी विटामिन सी सीरम है, जो इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है। इसकी आप पैकेजिंग देख सकते हो, इसका ये कार्डबोर्ड है। इसकी कार्डबोर्ड की क्वालिटी इतनी खास मुझे लगी नहीं, ओके था। इसको मैं कुछ वन मंथ से यूज़ कर रही थी, उसका एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करूँगी, किस तरह वर्क करा, काम किया कि नहीं किया, आपको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। इसकी MRP की बात करें तो 499 है। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा विटामिन सी के जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे आते हैं, सो ये कहीं ना कहीं रीजनेबल प्राइस में आपको विटामिन सी सीरम मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। इससे कम प्राइस में नहीं मिलते हैं विटामिन सी सीरम, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, और इसे 30 ml में अच्छी क्वांटिटी के साथ भी मिल जाता है। इसकी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में सारी चीज़ें मेंशन की गई है, इसको किस तरह इसकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह और इसको किस तरह यूज़ करना है, सारी चीज़ें इस कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में दी गई है। अब बात करते हैं इसकी इनर पैकेजिंग की। इसकी इनर पैकेजिंग आप देख सकते हो, इस तरह की पैकेजिंग में आता है। डार्क ग्लास है इसका, ग्लास की बॉटल में ये आता है, और इसकी पैकेजिंग अंदर की बॉटल की बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में ये आ जाता है, ड्रॉपर के साथ हमें मिल जाता है। इसकी बात करें तो ये बॉटल इतनी क्यूट सी मुझे लगी, इसका ड्रॉपर भी गोल्डन का टच है, तो बहुत ही अच्छा लगा इसकी पैकेजिंग मुझे। और इसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये आपकी स्किन पे किस चीज़ पे क्लेम करता है ये वर्क करेगा। जैसे कुछ खास क्लेम नहीं करता है ये आपकी स्किन को ब्राइट करने के लिए नहीं है कि आपकी स्किन को एकदम ब्राइट कर देगा, ये आपकी स्किन को एक अच्छी सी शाइन लेके आएगा, एक ब्राइटनेस लेके आएगा, एक हेल्दी स्किन देगा आपकी स्किन को, ये इस चीज़ की आपकी स्किन पे काम करेगा। और ये आपकी स्किन में, इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, पर इसमें खास जो हीरो इंग्रेडिएंट्स है उसकी बात करें तो इसमें लेमन है और ग्रीन पपाया है एंड प्रोमोग्रेंट एक्सट्रैक्ट है, जो आपके स्किन को नेचुरली तरीके से आपके स्किन के डार्क स्पॉट्स वगैरह पे वर्क करने पे काम करेगा। सो इसमें इंग्रेडिएंट्स ये है थे। और बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। आप उसको कभी भी अप्लाई करने से पहले, हाउ टू अप्लाई, सो आपको अप्लाई करने से पहले अच्छे से फेस को क्लिनजिंग करना है, जैसे कि इसमें दिया गया है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको पहले पाउंड्स का ब्राइट ब्यूटी का फेस वॉश यूज़ करना है, उसके बाद ये सीरम लगाना है, फिर ब्राइट ब्यूटी की डे क्रीम लगानी है, अगर आपको बेस्ट रिव्यू आपको चाहिए तो। वरना आप अगर कोई भी आपकी स्किन टाइप से आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद भी आप इसको लगा सकते हो। फेस वॉश करने के बाद आप इसको ट्वाइस अ डे भी यूज़ कर सकते हो, डे और नाइट। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी थिकनेस, इस तरह की ये थिकनेस में आता है, आप देख सकते हो, बहुत ही पतली इसकी थिकनेस है, कुछ ज़्यादा है नहीं। इस तरह ये ड्रॉपर में आता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, पिंच ऑफ अमाउंट लगती है इसको अप्लाई करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट एक नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट लगेगा अप्लाई करने के लिए, स्मॉल अमाउंट में अच्छे से आपकी स्किन पे अप्लाई, जेंटली अप्लाई करना है स्मॉल अमाउंट में फेस पे, और सीरम अप्लाई करना है और क्लीन अपने फेस और नेक पे भी अप्लाई करना, कहीं ऐसा ना हो कि फेस अलग लगे और नेक अलग लगे, तो अपने फेस और नेक पे अप्लाई करना है फिंगर से, जेंटली पाम पे लेना है, 2 to 3 ड्रॉप एंड जेंटली मसाज करके सर्कुलर मोशन में उसको आपकी स्किन पे वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है बिल्कुल भी वाटरी, जैसे कि आप देख सकते हो वाटरी होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब स्किन पे एकदम से गायब ही हो जाता है कि कहाँ चला गया, आपने सीरम लगाया भी है, एक क्विक अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के ऊपर, एक अच्छी सी शाइन देता है, बहुत ही, जैसे कि सीरम बहुत ज़्यादा चिपचिपे होते हैं और बहुत ज़्यादा
हैवी फील कराते, तो ऐसा कुछ भी नहीं, चिपचिपा भी नहीं है, एकदम लाइट है। ये इसमें मॉइस्चराइज़र भी नहीं है कि आप इसके अंदर मॉइस्चराइज़र है, आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी ड्राई स्किन वाले हो आप, तो आपको इसको अप्लाई करने से पहले आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। और जिसकी ऑयली स्किन है मेरे जैसी, तो उनको बिल्कुल भी चलेगा, आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। बाकी क्विक ऑब्जर्व हो जाता है अगर नाइट में मैं लगा के, अगर मॉर्निंग में मैं उठती हूँ नाइट केयर में लगा के, तो स्किन पर एक अच्छी सी शाइन, हेल्दी ग्लो स्किन दिखने लगती है, स्किन में एक अच्छी से चमक आ जाती है मॉर्निंग में। तो डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ तो हाँ, डेफिनेटली ये वर्क करता है स्किन पे। पर हाँ, थोड़ा वक्त लगता है, इसको 3 या 4 वीक्स लगे थे स्किन पे अपना रिजल्ट दिखाने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट इतनी जल्दी स्किन पे रिजल्ट नहीं देता है, थोड़ा हर प्रोडक्ट को हमें थोड़ा सा वक्त देना होता है ताकि वो अपना रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट हमारे स्किन पे दिखा सके। तो इसको भी आपको 3 या 4 वीक देना होगा, इसके बाद ही आपको रिजल्ट अपने स्किन पे दिखेगा। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस प्रोडक्ट को लेके। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी बहुत सारी वीडियो की अपडेट के लिए प्लीज़